लो गाइस, कैसे हो सब। मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे हॉट टॉपिक एपिसोड 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं तालिबान की। सबसे पहले तालिबान वर्ड सुन के आपको क्या लगा? या खैर, वो मुझे नहीं पता आपको क्या लगा, पर आज पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान क्या सोच रहा है तालिबान के बारे में? क्या सही में तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, या फिर ये मीडिया ने पूरा मतलब गलत खबरें फैला रखी है? तो गाइस, इस पे हम और थोड़ी रोशनी डालते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। तालिबान दावा करता है कि वो अल्लाह की राह पर चलता है, तो क्या सच में तालिबान अल्लाह की राह पर है? आज एक बार फिर लगभग 20 साल बाद तालिबान अपना शासन अफगानिस्तान में कायम करने जा रहा है, तो किस तर्ज पे वो ये शासन करना चाहता है? 15 अगस्त से आज तक काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और वो किस लिए हुए? वो अपना देश छोड़ के कहीं और जाना चाहते। हमारे हिंदुस्तान ने भी लगभग 700 के आजू बाजू अपने प्लेन भेज के अपने नागरिकों को बुला लिया। ऐसे हर देश अपना एक प्लेन भेज के अपने के नागरिकों को बुला रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं बाहर, वो ज़्यादातर अफगानी नागरिक है। और क्या वो गैर मुस्लिम है? नहीं, जो दिख रहे हैं वो मुस्लिम ही है, और वो अफगान मुस्लिम है। वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी जकात निकालते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, और वो भी कुरान के रास्ते पे चलते हैं। पर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है कि वो वहाँ से भाग जाना चाहते हैं? मतलब अपना देश, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी है, अपनी मातृभूमि है, वहाँ से कोई क्यों भागना चाहेगा? पर अभी उनको थोड़ा डीपली समझते हैं। तालिबान जो कर रहा है, मतलब अभी मसला तो सिर्फ यही है कि एक ही कम्युनिटी, मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं उसमें एक तबका अफगान है, जिसे हम मान सब अफगानी है, लेकिन मानने के लिए एक तबका अफगान है और एक तबका तालिबान। और तालिबान जो है वो अब वहाँ पे उनकी सरकार बनने जा रही है, तो ये जो मुस्लिम का एक तबका है वो तालिबान के अंडर में नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता तालिबान के अंडर में? क्योंकि तालिबान तो दावा करता है कि वो कुरान की राह पे या फिर अल्लाह की राह पे है, तो जो मुस्लिम भाग रहे हैं वो क्या अल्लाह की राह पे नहीं है? कि यार, एक ही कम्युनिटी है, एक ही मज़हब पे चलते हैं, एक ही किताब का सहारा लेके आगे बढ़ने वाले हैं, फिर भी अंदरों अंदर ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में, अतीत में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1996 पहली बार 1996 में, तो पहली बार वहाँ पे अपनी सत्ता कायम की। किसके जोर पे? गोली, बम, बारूद, डर। हाँ, और ये कोई मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा है, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब 1.0 में 1996 में तालिबान ने सत्ता अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता काबिज की थी, तब भी डर के माहौल में की थी। तो तालिबान मानता है कि वो अल्लाह की राह पर है, और जैसे ही 1996 में तालिबान जैसे ही सत्ता पर आया, उन्होंने पहला काम ही शरिया कानून किया, मतलब वहाँ पे शरिया कानून लगाया। तो तालिबान अफगान को समझने के लिए हमें थोड़ा शरिया कानून भी समझना पड़ेगा। तो जो मीडिया ने दिखाया हुआ है या फिर आम तौर पे जो जानते हैं वही पता है, उनके बारे में कुछ डिटेल से नहीं पता।
तो शरिया कानून क्या है? शरिया कानून एक कुरान व हदीस या प्रॉफेट मोहम्मद साहेब ने जो कुछ मिसालें पेश की है उनके तर्ज में उन दोनों तीनों को पॉइंट को मिला के जो एक इस्लामिक हिसाब से इस्लाम की राह पे एक शरीयत के हिसाब से एक इंसान को कैसे जीना चाहिए वो एक रास्ता दिखाया हुआ है। अब मुसलमान ये तो मानते हैं कि शरीयत का कानून अल्लाह का कानून है, पर उन लोगों में भी बहुत ही अंतर है सोचने में, समझने में, या अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग सभ्यता में, अलग-अलग समय के अनुसार। अब कानून बनाने की प्रक्रिया हमने समझी, एक कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु साहेब ने जो कुछ मिसालें कायम की। फिर ये हुआ कि ये तो एक दौर की बात थी, फिर जैसे जैसे सिचुएशन, परिस्थिति या समय बदलता गया, फिर जाके ऐसा भी एक वक्त आया कि कोई भी कानून होगा इस उसमें, मतलब इन लोगों के हिसाब से तो ये कानून कभी चेंज नहीं होता, पर कुछ ऐसे सरकमस्टेंस सेंसेस है कि उसमें थोड़ा जो इस्लाम के जानकार है, आलिम है, मुझे नहीं पता, या फिर उससे भी कोई ऊपर के लेवल का बंदा है, वो कुरान की रोशनी में कुछ चीज़ों को मतलब एक फतवा दे सकता है। तो आपने ये फतवा वर्ड भी बहुत सुना होगा इस्लाम में, तो ये फतवा वर्ड भी यहाँ से आता है। जब अलग-अलग लोग या फिर अलग-अलग इनके जो बहुत बड़े बड़े मौलाना, मुझे नाम नहीं पता, वो आए, लेकिन उन्होंने भी एक ये जो फतवे वाले सिस्टम है या फिर ये कानून के हिसाब से ही एक चीज़ आगे बढ़ती है, तो उसमें एक और चीज़ आई। और इस्लाम में ये जायज़ भी है कि एक फतवा कोई भी उसका जो जानकार, मतलब जो नामी जानकार बंदा है, वो उसमें अपनी रोशनी डाल सकता है। असली दिक्कत भी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मुसलमान कम्युनिटी में भी दो गुट है, मतलब गुट कहना तो ठीक होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मतलब दो ए और बी, शिया और सुन्नी। बात करते हैं सुन्नी की, तो सुन्नी में भी चार फ़िक्र है, हनफी, हकीमी, मलिकी और शफी, ये चार फ़िक्र है, मतलब ये शायद उर्दू या शायद अरबी वर्ड है, मतलब ये चार पार्ट है। और जो दूसरा गुट है उसमें सिया, और सिया में जाफरी। अभी ये पांच मेन, मतलब मुस्लिम लोगों के संप्रदाय तो नहीं बोल सकते, पर पांच अलग-अलग मान्यता है। तो इन पांचों की मान्यता भी आप मिला ले, फिर आप कहीं जाके देखें तो भी बहुत इनमें भी डिफरेंस है, मतलब इनकी सभ्यता, संस्कृति या फिर अलग-अलग देशों की वजह से या फिर कोई भी रीज़न हो, इन चारों की मान्यता भी बहुत ही अलग है। तालिबान जो शरिया लॉ, शरिया कानून जो अफगानिस्तान में कायम करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जो शरिया लॉ है, शरिया कानून है या शरीयत का कानून है वो एक ही है, मतलब कहने के हिसाब से एक ही है, लेकिन अभी मैंने कहा ना कि एक जहाँ तक कुरान व हदीस या मोहम्मद साहब की बात, लेकिन कुछ इस्लाम के जानकार भी कुरान की रोशनी में अपना एक तर्जुमा या फिर अपना एक फतवा दे सकता है। तो दिक्कत सारी वहीं से शुरू हुई, और ऐसा भी नहीं है कि हाल के दौर में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे इस्लामिक कंट्री में शरिया लॉ नहीं है। अभी के मेरी जहाँ तक नॉलेज है, अभी के समय में लगभग 10-12 ऐसे देश है जिनमें शरिया लॉ अभी भी है। उनमें से एक पाकिस्तान है, ईरान, इराक है, फिर मिस्र है, फिर अपना ये सऊदी अरेबिया है, और वहाँ पे ऑलरेडी अभी ये कानून लगा हुआ है। तो आपको ये लग रहा होगा और मुझे भी ये लगता था कि भाई इतने जगहों पे कानून है, तो फिर ये एक अफ़गानिस्तान में एक और कानून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। पर
पर ऐसा नहीं है, उनकी थोड़ी सोच समझ और थोड़ी मान्यता डिफरेंस है। शरीयत के अनुसार इस कानून को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हद जिसमें गंभीर किस्म के गुनाह आते हैं, और दूसरा तजीर के जिसमें सजा का प्रावधान न्यायाधीश पे छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ के लोग या खासकर वहाँ की औरतें या फिर ये पूरी दुनिया वहाँ से अफगान से इतना मतलब डरना, डर तो बोलना नहीं चाहिए, पर इतनी फिक्र अफगानियों की क्यों करते, उसका एक रीज़न है। और उसका भी रीज़न मैंने या फिर दुनिया वालों ने प्रस्तुत नहीं किया है, वही उसके भी जवाबदार वो तालिबान ही है। क्योंकि 1996 से लेकर 2001 तक उन्होंने वहाँ पे एक शरिया लोक मतलब शरीयत का कानून नाजिल किया था, तो उसमें क्या था उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ताकि आपको पता चले कि क्यों हम इतने उस बात से हम इतने चिड़चिड़े क्यों हुए हैं। एक था हत्या और बलात्कारियों को खुलेआम फांसी, दूसरा था चोरी करने वाले या फिर प्यार मतलब व्यभिचार करने वाले को पत्थर मारकर खुलेआम सजाए मौत, फिर 10 साल से बड़ी लड़की स्कूल नहीं जा सकती, या फिर 10 साल जैसे ही होते तब उसको वो लड़की को कंपलसरी एक मतलब एक पहरवेश आता है, क्या कहते हैं उसे, बुरखा, बुरखे में रहना, फिर वो बाहर नहीं जा सकती अपने हस्बैंड या फिर अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य के बगैर, वो नौकरी नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा खतरा ये कानून से वहाँ की औरतों को हुआ, टीवी, म्यूज़िक, सिनेमा को हराम बताया। अब आम तौर पे ऐसे कानून वहाँ पे हुए तो वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पर मैं वो आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो ज्यादती थी या नहीं थी, क्योंकि मैं उस पर कोई गवाही देने वाला हूँ नहीं। लेकिन एक आज़ादी का मतलब भी ग़ुलामी का मतलब मैं एक प्रयत्न करता हूँ समझाने के लिए कि अगर हम जिस भी देश में रह रहे हो, अगर हम मान लीजिए कि कोई गुनाह करते हैं तो हमें क्या सज़ा मिलती है, हमें जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, तो उसका दरअसल जेल का मतलब क्या है, जेल, जेलर, सलाखे के पुलिस वाले का डर नहीं, जब हमें सज़ा मिलती है ना तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि वहाँ अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्ज़ी से मोबाइल, टीवी, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब वहाँ के जो जेलर है, वहाँ के जो पुलिस है, उस पर करना पड़ेगा। तो सीधा ही मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम जेल गए हमारी आज़ादी छीन ली गई। तो ये बहुत बढ़िया दृष्टांत नहीं है कि यहाँ पर भी आप कोई गुनाह करो और सीधा आपकी आज़ादी पे खतरा आ जाएगा। चलिए अब थोड़ी कुरान की रोशनी में भी बात कर लेते हैं कि आखिर कुरान क्या कहता है। कुरान का तो पहला वर्ड ही यही है कि पढ़ो, मतलब नॉलेजेबल बनो। और गाइज एक बात तो सीधी कंप्लीट दिए जैसी साफ है कि कोई भी रिलीजियस हो या कोई भी रिलीजियस किताब हो, उनमें जो बात होती है ना वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होती, उनमें औरतें भी शामिल होती है। तो सीधा ही मतलब कुरान में तो औरतों को एक विशेष दर्जा दिया हुआ है, उसके जन्म से ही उनको एक क्या कहते हैं वो, एक उर्दू वर्ड है, उनको जन्म से एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और वैसे प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार इस्लाम में दिया हुआ है औरतों को, कुरान ने दिया है। फिर कोई भी लड़की वो अपनी मर्जी के बगैर किसी लड़के से वो शादी नहीं कर पाती, ये भी कुरान ने मतलब दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रॉपर्टी रख सकती है, मतलब अपने नाम पे कोई भी कुछ भी रख सकती है प्रॉपर्टी। फिर एक उस दौर में मोहम्मद साहब के दौर में अरब में एक प्रथा थी कि बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, तो उसका भी एक हमें वाक्य मिलता है कि मोहम्मद साहब ने भी बहुत ही
उस आंदोलन को मतलब बहुत ही उसमें प्रयत्न किया था कि ये कुरीति समाज से निकले। तो ये मोहम्मद साहिब से भी आप ले लो या फिर कुरान से भी ये बात ले लो, सब जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि इस्लाम में औरतों को बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो अब मेन मुद्दा तो ये बच जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, मोहम्मद साहब ने औरतों पे उसके भले के लिए काम किया है, ये तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है और कर भी रहा है तो क्या वो सही कर रहा है? क्या तालिबान इस्लाम की राह पर है? और हाल फिलहाल में अभी तक तो उनकी सत्ता भी काबिज नहीं हुई और 3 मुल्कों ने उनको एक मान्यता दी हुई है, क्या पता शायद इंडिया भी कल दे दे, मुझे नहीं पता इस बात का। पर तो क्या जो लोग तालिबानियों के साथ है या जो लोग या जो मुल्क, क्या वो औरतों के खिलाफ है? अगर तालिबान कुरान के रास्ते पे मतलब अल्लाह की राह पे, तो भाई एक बात है कि अपने वाला है या फिर दिखता है मजहबी दिखता है या फिर हमारा बंदा है तो वो सही है, ये तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, जो गलत है तो वो तो गलत है ना। या फिर आप पकड़ लीजिए, आप मान लीजिए कितने सारे सवालात है कि क्या तालिबान सही है, क्या उनको सपोर्ट करने वाले लोग या मुल्क सही है, या फिर तालिबान जो कर रहा है वो सही है। अगर वो कर रहा है, आपको लगता है कि वो कर रहा है वो सही है, तो फिर तो वो अल्लाह की राह पे चल रहा है, वो तो ये बता रहा है कि वो अल्लाह की राह पे चल रहा है। अगर वो अल्लाह की राह पे चल रहा है तो क्या अल्लाह औरतों के खिलाफ है? ऐसे ढेर सारे सवालों के साथ मैं आज का हॉट टॉपिक यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। नहीं रखती, वो आपकी सोच पे डिपेंड है कि कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे नहीं पता। मैं कहने वाला, मुझे कोई हक भी नहीं है। लेकिन गाइस, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो शेयर करें और नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पर वन थिंग, वॉट एवर वॉट यू डू, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। सब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, जय।